राजधानी दिल्ली में आम जन की समस्याओं को देखते हुए रविवार को दिल्ली की तमाम अदालतों में सभी प्रकार के वाहनों के चलान के लिए विशेष लोक अदालत लगाई गई। यह लोक अदालत लोगों की समस्याओं को देखते हुए दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा लगाई गई। यह लोक अदालत सिर्फ ट्रैफिक चालान को लेकर लगाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता भी खास तौर पर देखने को मिली। लोग वाहन चालान से संबंधित समस्याओं को लेकर कोर्ट पहुंचे और अपनी समस्याओं का निपटारा किया। इस बीच दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में भी भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। कोर्ट परिसर के बाहर दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात दिखाई दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण DLSA नॉर्थ के सचिव हरजीत सिंह जसपाल ने बताया कि दिल्ली में करीब 1 करोड़ के आसपास ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, जिनको लेकर इस विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली में तमाम कोर्ट में आज लोक अदालत लगाई जा रही है, जिसमें लोगों के जो वाहन हैं उनको लेकर के यहाँ पे उनकी समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं DLSA नॉर्थ के सचिव हरजीत सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, किस तरह से उनके चलान पर ना केवल उनको न्याय की बात की जा रही है। सर, किस तरीके से आज लोक अदालत है, किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम हरजीत सिंह है, मैं DLSA नॉर्थ का सचिव हूँ। आज ये स्पेशल लोक अदालत लगाई गई है ट्रैफिक चालान्स के डिस्पोजल के पर्पस से। जैसा कि हम सबको पता है, बहुत सारे कैमराज लगे हुए हैं, उनसे बहुत सारे चालान पेंडिंग हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर एक अनुमान के अनुसार करीबन 1.5 करोड़ चालान पेंडिंग है दिल्ली में। हमारा टारगेट है आज उस 1.5 करोड़ का 1% चालान का डिस्पोजल कराना। जैसा कि आपने कहा, दिल्ली के हर न्यायालय के अंदर लोक अदालत की बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। ये स्पेशल लोक अदालत है सिर्फ NBT चालान्स को लेके, कोई और अन्य किस्म का मैटर इसमें नहीं लिया जाएगा। हर जैसे हमारे रोहिणी का अगर उदाहरण लें तो हमारे यहाँ पर 40 बेंचेस या 40 लोक अदालत बनाई गई हैं, और जनता का फ़ायदा ध्यान रखते हुए या जनता का हित ध्यान रखते हुए, लीनियंट व्यू लेते हुए अधिक से अधिक डिस्पोजल का पर्पस है हमारा। सर, आज संडे का दिन है, तो किस तरीके से लोगों का रिस्पांस देखने को मिला है? लोग आ रहे हैं, किस तरीके से अपना चालान भरवा रहे हैं, किस तरह से लोगों का रिस्पांस है? जी, दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार कोविड के सुरक्षा को देखते हुए, कोविड के पालना को देखते हुए, हर कोर्ट में एक सीमा निर्धारित की गई है कि उससे ऊपर चालान नहीं लिए जाएंगे। ये सीमा है 750 चालान। ये 750 चालान भी फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में डिवाइडेड हैं, 10 से 2, और उसके बाद 2 से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो हमने ये कोविड की सुरक्षा को देखते हुए ऐसे डिवाइड किया है कि किसी भी कोर्ट में भीड़ ना लगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमारा उद्देश्य ये है कि हर कोर्ट से 750 चालान का डिस्पोजल हो सके, और कुल मिला के दिन के अंत तक करीबन 1.25 लाख चालान हम आज में डिस्पोज ऑफ करा सकें, ये हमारा उद्देश्य है। सर, अगर बात करें, जैसे कि अभी आपने बोला कि काफ़ी सारे चालान हैं और एक निश्चित सीमा निर्धारित की गई है, जो लोग बच जाएंगे तो उनके लिए क्या प्रावधान है, किस तरीके से उनको आगे की तारीख दी जाएगी या फिर किस तरह से उनका समाधान होगा? जी, दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शन में दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये कोशिश करेगी, हमारे मेंबर सेक्रेटरी साहब का ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि जल्दी ही ऐसी एक और लोक अदालत लगाई जाएगी, स्पेशल लोक अदालत, जिसमें सिर्फ NBT चालान से ही टेकअप किए जाएंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं कि ऐसी लोक अदालत, जो दूसरी लोक अदालत है, अगले 15 दिनों के आसपास लगाई जाएगी दिल्ली में। तो ये थे हमारे साथ DLSA नॉर्थ के सचिव, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ट्रैफिक चालान को लेकर के लोगों को सुविधा दी जा रही है और लोगों को हर समस्याओं का समाधान का किया जा रहा है। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।